दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है आरसीबी के नए प्लेयर को लेकर। इसके बाद आईपीएल का सेकेंड ट्रेड विंडो, ड्राफ्ट प्लेयर की लिस्ट, लखनऊ सुपर जायंट का प्लेइंग 11 और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाई वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, और इस टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और हाल ही में सेमीफाइनल मैच में उन्होंने 126 गेंदों में 166 रनों की आतिशी पारी खेली। और चेन्नई के लिए एक और बड़ा खुशखबरी है, जहां पर इस टीम के स्पिनर आर हंगरेकर 4 विकेट लिया उन्होंने 65 रन दे करके। तो चेन्नई के सभी खिलाड़ी धीरे धीरे फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से, और इस टीम के करंट कैप्टन यानी कि फाफ डुप्लेसिस पर्थ स्क्रॉचर्स की तरफ से बिग बैश लीग 2022-23 में खेलेंगे, यानी कि आरसीबी के कैप्टन इस साल बीबीएल में पार्टिसिपेट करेंगे और पर्थ स्क्रॉचर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, और राजस्थान की टीम आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में बेन स्टोक्स को टारगेट करेगी, और इसका खुलासा खुद राजस्थान की मैनेजमेंट ने किया, जहां पर राजस्थान की टीम अपने स्क्वाड से काफी सारे ऑलराउंडर जैसे कि डेरी मिचेल, रासी वंडरसेन और जिमी निसम जैसे प्लेयर को बाहर कर चुकी है। तो उनके भरपाई के लिए राजस्थान की टीम इस साल के ऑक्शन में बेन स्टोक्स को टारगेट करेगी और इस प्लेयर को वापस से अपने स्क्वाड में शामिल करने का पूरा प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के लिए लखनऊ सुपर जायंट के सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर। तो लखनऊ का बेस्ट प्लेइंग 11 साल 2023 में कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर इस टीम की तरफ से ओपन करते हुए नजर आएंगे कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक। इसके बाद तीसरे नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज कैमरन ग्रीन, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर दीपक हुड्डा, पांचवें नंबर पर ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस, छठवें नंबर पर आयुष बदोनी, सातवें नंबर पर कृणाल पांड्या, इसके बाद आठवें नंबर पर मार्क वुड, नौवें नंबर पर मोहसिन खान, दसवें नंबर पर आवेश खान और ग्यारहवें नंबर पर रवि बिश्नोई। तो लखनऊ सुपर जायंट का बेस्टेस्ट प्लेइंग 11 साल 2023 में कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहां पर ऑक्शन में ये टीम कैमरन ग्रीन को टारगेट करेगी। तो आपके हिसाब से लखनऊ का प्लेइंग 11 कैसा होना चाहिए, पूरा प्लेइंग 11 कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सी टीम का प्लेइंग 11 देखना चाहते हैं, जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक से अधिक कमेंट आएगा उस टीम का प्लेइंग 11 हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी शेन वॉटसन की तरफ से, और शेन वॉटसन ने बताया कि आईपीएल 2016 का फाइनल जिसमें आरसीबी की टीम हार गई थी, वो मैच उनके करियर का सबसे खराब मैच था, क्योंकि उस मैच में उन्होंने 4 ओवर में 61 रन लुटा दिए और उनके खराब प्रदर्शन के चलते आरसीबी की टीम का चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर हो गया। तो एक रिपोर्ट में शेन वॉटसन ने बताया कि वो उनके करियर का सबसे ज्यादा रोस्ट मैच था और उस मैच को अभी तक शेन वॉटसन नहीं भूल पाते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के सेकेंड ट्रेड विंडो को लेकर। तो आईपीएल का दूसरा ट्रेड विंडो अब शुरू हो चुका है और इस ट्रेड विंडो में काफी सारे खिलाड़ियों को अप्रोच किया गया और काफी सारे रिपोर्ट्स में क्लेम भी किया गया कि आईपीएल के सेकेंड ट्रेड विंडो में 2 से 3 खिलाड़ी ट्रेड होंगे, जिसका अनाउंसमेंट वन बाई वन आईपीएल की टीमें करती हुई नजर आएगी। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के ड्राफ्ट में बिकने वाले कुछ बड़े प्लेयर्स को लेकर। तो इस लिस्ट में पहला बड़ा नाम आता है सिकंदर रजा का, और सिकंदर रजा को इस साल के ऑक्शन में चेन्नई और बेंगलोर की टीम टारगेट करेगी। हाईली चांस है कि आरसीबी सस्ते दामों में सिकंदर रजा को खरीद ले, क्योंकि आरसीबी को ग्लेन मैक्सवेल का बैकअप चाहिए, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल चोटिल है। तो इस वजह से
से आरसीबी टीम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सिकंदर रजा को ऑक्शन में टारगेट करेगी। और वैसे भी रजा के पास टी20 के लिए काफी बेहतरीन बॉलिंग और इसके साथ ही 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने की क्षमता है, तो इस वजह से रजा को ऑक्शन में आरसीबी की टीम खरीदती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद दूसरा नाम आता है हैरी ब्रुक का, और हैरी ब्रुक इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट टी20 बल्लेबाज, और इस प्लेयर को ऑक्शन में गुजरात टाइटंस की टीम टारगेट करेगी क्योंकि गुजरात को नंबर 3 पर विदेशी तूफानी बल्लेबाज की तलाश है। वहीं इस लिस्ट के तीसरे अंतिम प्लेयर है मयंक अग्रवाल, और इस खिलाड़ी को ऑक्शन में या तो गुजरात या फिर चेन्नई की टीम टारगेट करेगी। हो सकता है कि हैदराबाद भी टारगेट करे क्योंकि इन तीनों टीमों को ओपनर्स की तलाश है। तो आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी ऑक्शन में सबसे महंगा बिकेगा कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की 8वीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के ऑक्शनर को लेकर, तो आईपीएल के ऑक्शनर का कार्यभार एक बार फिर से ह्यूज एडवर्ड्स को दिया गया है, और ये आदमी ही आईपीएल 2023 के पूरे ऑक्शन को कंडक्ट करवाएंगे। और आईपीएल का ऑक्शन 23 दिसंबर को कोच्ची में शुरू होगा भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से। इसके बाद इस लिस्ट की 9वीं बड़ी अपडेट है इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश को लेकर, तो इस सीरीज का पहला मैच 4 दिसंबर को खेला जाएगा, जहां पर इस सीरीज में सबसे पहले वनडे मैच खेले जाएंगे, और इस सीरीज के लिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी आज रवाना हो जाएंगे। वहीं इस लिस्ट की 10वीं अंतिम अपडेट है इंडिया न्यूजीलैंड के सीरीज को लेकर, तो भारत न्यूजीलैंड का सीरीज खत्म हो चुका, जहां पर वनडे सीरीज में भारत को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि टीम इंडिया अंतिम वनडे भी हार जाती, लेकिन बारिश ने भारतीय टीम को बचा लिया। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।